हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसाला मिल्स किचन। तो आज मेरे चैनल पर मैं एक और नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से पम्पकिन काट के ले ली हूँ, जो कि है कद्दू, भोपला भी बोलते हैं इसको, बहुत तरीके का नाम है। तो इसमें सब लोग भोपला ही शायद पहचानेंगे। ये देखिए, ये पीले वाले भोपला है। और इस तरीके से मैं ये आलू काट ली हूँ। ये मीडियम साइज के दो आलू है और ये पाव किलो जितने भोपला है। और ये मैंने कुछ प्याज काट ली हूँ लंबे लंबे करके, ये करीब चार मीडियम साइज के प्याज है। और ये एक बड़ा टमाटर इस तरीके से मैं काट ले ली हूँ काट के। और यहाँ पर हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची मैं अक्खा ही डालूंगी, इसको मैं स्लिट नहीं करूँगी, ना ही इसको मैं हाफ करके तोड़ के डालूंगी, क्योंकि मुझे तीखा नहीं चाहिए, उसका फ्रेश एक टेस्ट होता है हरी मिर्ची का, वो चाहिए रहेंगे मुझे अपना। और ये मैंने चिकन ले ली हूँ बोन वाले, ये करीब पाव किलो करीब है, पाव किलो चिकन बोन के साथ। तो आज हम ये चिकन आलू पम्पकिन का एक सालन बनाएंगे। तो चलिए आइए बनाते। तो मैं ये गैस चालू करती हूँ और मैं ये चिकन पम्पकिन आलू इस सालन में राई के तेल में बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो सादा तेल में बना सकते हैं, पर राई के तेल में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्ट होंगे। तो चिकन में जैसे कि तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, चिकन मटन में, मछली में, फिश फ्राई करते समय, तो मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ, मुझे जितना चाहिए। आप अपने हिसाब से तेल और नमक की क्वांटिटी रख सकते हैं। ये जब तक धुआं नहीं निकले तब तक मैं इसमें नहीं डाल सकती, क्योंकि राई के तेल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ खड़ा गरम मसाला ले ली हूँ, जो कि है ये दो लाल मिर्च है सूखी, और ये तीन तेज पत्ता है, ये स्टार फूल है, और कुछ गोल मिर्च है, हरी इलायची, और ये जीरा, एक काली इलायची, पांच छह लौंग। तो मैं ये सब मैं गरम तेल में डाल दूंगी। अभी इसमें मैं ये कटी हुई प्याज डाल दूंगी। प्याज को मुझे लाल नहीं करना है, बस पिंकिश करना है, जैसे कि कच्चापन चले जाए प्याज का। अभी आप गैस फास्ट रख सकते हैं, क्योंकि फास्ट में इसको मसाले को भून के फिर हम जब चिकन डालेंगे तब स्लो में इसको चिकन को भूनते रहेंगे। तो आपको अगर प्याज इस टाइम में थोड़ी नमक डालना हो तो जल्दी होते हैं ये प्याज, तो इस पे मैं तो नमक डाल रही हूँ। प्याज के मसाले में तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये खड़े गरम मसाले के और प्याज भूनने के। ये मेरा प्याज बहुत अच्छी तरीके से लाल नहीं हुआ है, पर मुझे ऐसे ही प्याज चाहिए, मुझे ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ, मैं भोपला और आलू चिकन की सालन बना रही हूँ, तो इस तरीके से मुझे प्याज चाहिए। अब इस पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो चम्मच भर भर के। इसको दो तीन मिनट चला लूंगी, तेल में ही भून लूंगी प्याज के साथ। अब इसमें जो मेरे चिकन मैंने धो के अच्छी तरीके से पानी निकाल के रखी है, अब इसमें मैं मसाले में डाल दूंगी। तो ये मेरा चिकन मैं इसमें 50% कुक कर लूंगी। हाफ कुक करने के बाद जो ये सब्जी अब्जी डालूंगी, तो इसमें मैं कुछ
पाउडर मसाला डालूंगी जो कि है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। ये चम्मच बहुत ही छोटी है तो इसमें मैं नाप करके डालती हूँ। आपके पास टेबल स्पून हो तो उसमें का हाफ स्पून डाल दीजिए। और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी कलर के लिए, ताकि तीखा नहीं हो और कलर हो जाए हमारा सालन में। ये मेरे पास 1 चम्मच से भी कम था ये लाल मिर्च पाउडर, तो मैं तीखी वाली डाल दूंगी थोड़ी सी। तो 1 चम्मच हमारा ये मिर्च पाउडर हो गया। तो देखिए किस तरीके से हमारा चिकन भुना जा रहे हैं। तो इसमें मैं ये टमाटर भी ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें टमाटर भूनते भूनते टमाटर गल भी जाएंगे। ये रेसिपी चिकन के साथ भी अच्छी लगेंगे और मटन के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेंगे। तो इसको मैं 50% यानी कि 50% जितने कुक कर लूंगी ढक्कन लगा के। तो देखिए किस तरीके से मेरे चिकन एकदम अच्छे से कुक भी हो गए थोड़े बहुत। और इसमें मैं सब्जी डाल के कुक करूँगी, ये सब्जी के साथ भी तो कुक होना है चिकन को। एकदम मेरा तेल भी छोड़ दिए है, भुनाई हो गया है मेरा चिकन का। इस पर मैं आलू पंकिन दोनों डाल दूँगी, हरी मिर्ची भी डाल दूँगी साथ में, थोड़े हरा धनिया काट के रखी हूँ ऊपर से डालने के लिए, थोड़ी रखूंगी और थोड़ी अभी डाल दूंगी ताकि हरा धनिया का अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। ऊपर से डालेंगे तो नहीं आएंगे, थोड़ा ऊपर से डालो और थोड़ा सब्जी कुक करते समय डालो। इसको जितनी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे उतनी अच्छी टेस्ट आएंगे। तो इसको भूनना अच्छे से है। मैं हर चीज़ में सब्जी डाल के पकाती इसलिए कि आजकल के बच्चे तो चिकन मछली मटन अंडे ही ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो उसके साथ हम सब्जी मिला के बनाते हैं तो शौक से खा लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा ढक्कन 5 मिनट तक ढक्कन लगा के सब्जी को भुनाई कर लूंगी। तब तक मैं एक इसमें मुझे सालन के लिए थोड़ा पानी गर्म करना है, क्योंकि इसमें हमेशा आप जो खाना बनाते हो और सब्जी में सालन में जो पानी डालते हैं, आप अगर गर्म पानी डालेंगे तो ज़्यादा बेटर बनेंगे। तो कोशिश कीजिए गर्म पानी डालने को। मैं दूसरे टब में मैं गर्म पानी बॉईल कर रही हूँ। तो देखिए हमारा ये सब्जी भुनाई हो गया अच्छी तरीके से, हमने भून लिए। अब इसमें मैं ये जो गर्म पानी मैंने बना के रखी थी इसमें मैं डाल दूंगी। देखिए हमारा अभी ये पकना बाकी है सब्जी, इसको मैं एकदम स्लो गैस में ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पका लूंगी।